का अपने YouTube चैनल स्वाद बनारसी में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि बिना बताए अचानक हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं और हमारे पास कोई सब्जी नहीं होती है, तो आप एक बार इस चने की दाल की सब्जी को बना के मेहमान को खिलाइए, मेहमान बता भी नहीं पाएंगे कि एक किस चीज की सब्जी थी। तो चने की दाल की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चने की दाल। 1 कप चने की दाल में आप 4-5 लोग के लिए आसानी से ये सब्जी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पानी से इसे 2-3 बार धो के साफ कर लेंगे। धोने के बाद हम इसमें फिर से ऐड करेंगे पानी। हमें इतना पानी इसमें ऐड करना है और इसे ढक के हम छोड़ देंगे 2-3 घंटे फूलने के लिए, ताकि अच्छे से फूल जाए। 2-3 घंटे हो गए हैं दाल को भिगोए हुए, तो हम हटा के ढक्कन देख लेते हैं। दाल अच्छी तरीके से फूल गया है, तो अब हम पानी से इसे अलग कर देंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। ध्यान रहे कि पीसते समय हम पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, ढेर सारे लहसुन की कलियाँ, साथ में हम इन सबको पीस लेंगे। चने की दाल को हमने पीस लिया है, एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे चिकन मसाला और 1 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ऐड करके हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम हाथों में लगाएंगे थोड़ा सा तेल। तेल लगाने के बाद पेस्ट को हम थोड़ा सा हाथ में लेंगे इतना, और इसको इस तरीके से करते हुए हाथों से दबा देंगे। दबाते हुए इस तरीके से फैला लेंगे हम। फैलाते समय इतना ध्यान दीजिएगा कि न ये ज्यादा मोटा रहे और न ही ज्यादा पतला, जितना हमने किया है बस इतना रहे। अब इसको हम सीधे तेल में डालेंगे। तेल को हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, फ्लेम मीडियम ही रखेंगे ताकि ये धीरे धीरे पक जाए अंदर तक। अब हम इसे पलट के दूसरे साइड भी पका लेंगे। ध्यान रहे कि इसे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा। हमें इसे ब्राउन कलर होने तक ही पकाना है। ये अंदर तक पूरी तरीके से पक चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। बाकी के पेस्ट को भी इसी तरीके से बना के फ्राई कर लेंगे। ये भी पक गया है अंदर तक, तो इसे भी हम निकाल लेंगे और इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तब तक बाकी चीजों की हम तैयारी कर लेंगे। थोड़ा सा तेल छोड़कर कढ़ाई में हमने बाकी तेल को निकाल लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 लौंग, 1 छोटी इलायची, 1/4 चम्मच जीरा और खुशबू के लिए थोड़ी सी हींग। थोड़ी देर हम इसे चटकने देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे प्याज का पेस्ट। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक इसमें का कच्चापन नहीं निकल जाता और प्याज अच्छे से नहीं पक जाता। जब तक प्याज पक रहा है तब तक चलिए हम इसे काट लेते हैं। जैसे हम पनीर के पीस को काटते हैं ना छोटे टुकड़ों में, वैसे ही इसको भी हम काट लेंगे। पहले हम ऐसे काटेंगे क्योंकि पनीर को भी हम ऐसे ही काटते हैं। सबको हम इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। प्याज भुना गया है, इसमें का कच्चापन निकल गया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच चिकन मसाला, 1/2 चम्मच दम आलू मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। प्याज के साथ इसे भी हम भून लेंगे। मसाला भूनने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मिलाने के बाद इसे हम ढक के छोड़ देंगे 2-3 मिनट पकने के लिए, लेकिन ध्यान है कि बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। मसाले को पकाते हुए 2-3 मिनट हो गया है, तो हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं और इसे फिर से चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए पानी। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी रखनी हो। हमने इसमें 1 कप पानी ऐड किया है, तो हमें कम लग रहा है पानी, तो हम इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे।
एक कप हम इसमें और ऐड करेंगे पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। ध्यान रहे कि नमक हमने पहले भी डाला है तो आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक ऐड कीजिएगा। फिर से हम इसे ढक के छोड़ देंगे जब तक ग्रेवी में उबाल नहीं आने लगता। ग्रेवी में उबाल आना शुरू हो गया है तो अब हम इसमें इस पीस को डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे और फिर से इसे हम 2 से 3 मिनट ढक देंगे पकने के लिए। पकाते समय ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। सब्जी पूरी तरीके से पक गई है तो अब हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। गैस को कर देंगे हम बंद और इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च काट के इस तरीके से, और थोड़ी सी गार्निश के लिए हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद हमें कमेंट में बताना ना भूलिएगा कि आपका कैसा बना था। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हो सके तो फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिए।